जैसे मरीज जो आपने बताया है बीच बीच में 2 महीने के अंदर अभी तक हमारे जिले में जो यहाँ पर कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आया था 7 मरीज पॉजिटिव थे, जिसमें से 5 जब तक कि हमारा मेडिकल कॉलेज झांसी से एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है तब तक उसको पॉजिटिव नहीं कहा जाता है। 7 में से 5 का अब एलाइजा पॉजिटिव आया है। सभी मरीज सुरक्षित हैं, माने ठीक है, कोई मरीज को कोई दिक्कत नहीं है। एलाइजा पॉजिटिव आया था जरूर, उसमें जो डेंगू पॉजिटिव आया है मरीज को कोई बीमारी जो थी, माने ब्लड टेस्ट जरूर पॉजिटिव आया है लेकिन उनको कोई बुखार खांसी जुकाम कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, आइसोलेशन वार्ड में 10 पलंग पहले से सुरक्षित हैं। बीच में यदि कोई मरीज नहीं आता, तो हमने कल CMS से भी बात करी थी, तो CMS ने कहा है जब मरीज नहीं रहता है सफाई जैसे होने के बाद उसको बंद कर देते हैं, माने करा देते जैसी चाबी रहती है वार्ड बॉय के पास और तुरंत खुलवा दिया। वार्ड के लिए जो अपने यहाँ पे वार्ड रखा गया है जिला चिकित्सालय में, इसमें वही मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है जो डेंगू रोग से पीड़ित हैं। और अभी जो बंद चल रहा है तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा था वार्ड के अंदर, और वो कंप्लीट होती साथ उसको भी चालू कर दिया जाएगा।